मध्य प्रदेश के गुना में हैंडपंप चलाने पर पानी नहीं शराब निकली है। शराब का अवैध कारोबार करने वालों का ये कारनामा सोमवार को तब सामने आया है जब पुलिस ने गुना के दो गांव में छापे मारे। जैसे ही पुलिस ने मौके पर हैंडपंप को चलाया उससे शराब निकलने लगी। जब उसके नीचे खुदाई की गई तो अवैध शराब से भरी टंकियां मिली। ये टंकियां जमीन में करीब 7 फीट अंदर थी। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी मात्रा में शराब नष्ट की है। यह गुना के चांचौड़ा और राघोगढ़ के दो गांव, यहां की जमीन कच्ची शराब उगलती है। दरअसल अवैध शराब बनाने वालों ने यहां 7 फीट गहरे गड्ढों में टंकियां गाड़ रखी है, इसके ऊपर हैंडपंप लगा दिए, इन्हीं से शराब निकालते हैं। इससे निकाली गई शराब पॉलीबैग में भरकर बेचते हैं। पुलिस ने सोमवार को अवैध शराब के दो ठिकानों पर छापेमारी की है। इस दौरान हजारों लीटर कच्ची शराब जब्त की गई। हालांकि आरोपी भाग निकले। पुलिस ने 8 आरोपियों की पहचान कर ली है। दो थानों में 8 केस दर्ज किए हैं।